कहीं आपको ऐसे बौद्ध मिले होंगे जो बड़े रूखे हो गए, वो 40 साल से बौद्ध हैं, लेकिन वो जिले में किसी पर अपना वो नहीं छोड़ पाए, प्रभाव नहीं छोड़ पाए, ऐसे मिले होंगे आपको, मतलब उनके व्यवहार में उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, वो लेकिन 40 साल से बौद्ध हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि अगर माइग्रेशन आप नहीं कर रहे, परिवर्तन नहीं अपने आप में कर रहे हैं, तो आखिर ये नया जन्म कैसा। याद करिए नागपुर की भूमि में जब बाबा साहब 5-2 लाख लोगों के साथ दीक्षा ले रहे थे, उस समय एक शब्द का प्रयोग किया था, आज से मेरा नया जन्म हो रहा है, कहता कि नहीं कहता। और आप बहुत हो गए, कुछ भी नहीं बदले आप, कोई आपकी भाषा खराब, कोई आपका व्यवहार खराब, कोई काम करने का तरीका नहीं, कोई पड़ोसी का सम्मान नहीं, दूसरे की बुराई 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 बुराई, काहे कि आप बहुत बन गए। क्यों भाई? इसलिए अगर आपके व्यवहार में, आपके जीवन में, आपकी सोच में, विचारों में परिवर्तन नहीं हुआ, इससे बढ़िया आप द्वयम दर्जे के, चौथे दर्जे के सूत्र ही बने रहिए, बौद्ध बनने का कोई फायदा नहीं है। परिवर्तन करना पड़ता है, विचार बदलने पड़ेंगे, सोच बदलनी पड़ेगी, और जो सोचता है वही बनता है। तमाम हमारे युवा बच्चे हैं जो IAS, CCS, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी, बौद्ध भिक्षु बनने का सपना सजोए हैं। मैं अपील करता हूं कि डालडा उत्पाद पर घूमने वाला आदमी जिंदगी में बड़े काम नहीं कर पाता। मैं 26 साल से बौद्ध भिक्षु हूं, तो बौद्ध भिक्षु हूं। हमने परचून की दुकान नहीं खोली, हमने खेती में काम नहीं किया, हमने कोई और काम नहीं किया। जो व्यक्ति एक ही मार्ग में सतत पूरी ऊर्जा के साथ लंबे समय तक लगा रहता है, वही कार्य उसको पहचान देता है और वही उसे सम्मान मिलता है। लेकिन मेरे लोग एक साल में 5 काम बदल देते हैं, ऐसा है कि नहीं? हमारे लोग इतने भटकाव के शिकार हैं कि एक साल में 5 काम बदल देते हैं, और अगर मौका लग जाए तो 5 पार्टियां भी बदल देते हैं। आज अगर भंते जी ने बढ़िया बात नहीं की तो इनके पास चले गए, उनके पास नहीं उनके पास चले गए। अरे भटकाव के शिकार नादान आदमी, जिंदगी बहुत छोटी होती है। बाबा साहब ने कहा कि नायक पूजा संविधान के लिए और लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होती है। हम लोगों की पाठशाला में हमें यही सिखाया गया, हमने एक नेता की बड़ी इज्जत की, एक व्यक्ति की बड़ी इज्जत की। लेकिन मैं बता दूं, अगर आप आजाद होना चाहते हो, इस पाखंडी व्यवस्था से निकलना चाहते हो, तो व्यक्ति का सम्मान नहीं बल्कि विचारधारा का सम्मान करना शुरू कर दो। व्यक्ति की उम्र होती है 40-50 साल, विचारधारा हजारों साल की, और विचारधारा हजारों संतों गुरु महापुरुषों का त्याग है, विचारधारा बड़ी होती है। मुट्ठी भर लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं, उनका नाम आपको पता नहीं होगा क्योंकि वो विचारधारा के साथ काम करते हैं, उन्हें अपने नाम से कोई परवाह नहीं है। उनके प्रचारक झोला टांग के घूम रहे हैं, कभी अखबार में नाम निकलता है उनका, लेकिन वो काम करते हैं। वैसे ही मुझे त्यागी बनना पड़ेगा, परिश्रमी बनना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, तब पुराना गौरव जो महापुरुषों का गौरव है। आप कोई साधारण लोग नहीं हो, ये देश बनाने वाले चलाने वाले राजा महाराजाओं के परिवार के लोग हो आप। अरे आपको इन्होंने बांट दिया जातियों में, यही तरीका था उनका। ये जो शोषण का षड्यंत्र है, का जो धंधा है उनका, अगर वो आपको बांटते नहीं तो आपको गुलाम कैसे बनाते, ये बात समझ में नहीं आ रही आपके। आज हमें बहुजन मैत्री सम्मेलन पूरे देश में करने पड़ रहे हैं कि हमारा दर्द एक है, हमारी आह एक है, हमारी समस्या एक है, तो आखिर हम साथ साथ क्यों नहीं बैठ सकते हैं? हम आपस में नमोबुद्धाएं करते हैं, जय भीम करते हैं, विचार